नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। प्रशासन बना लुटेरा, सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दिन दहाड़े दुकान में लूट। यूपी के बलिया में दुकानदारों द्वारा लॉकडाउन के उल्लंघन करने के मामले, जिला प्रशासन द्वारा काटे गए चालान और दुकानदारों और व्यापारियों के साथ उत्पीड़न और लुटेरों की तरह व्यवहार करने के मामले में यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने लिया संज्ञान। कहा, व्यापारियों के साथ नहीं होनी चाहिए थी इस तरह की जबरिया कार्रवाई। जिन लोगों का काटा गया है चालान, उन लोगों के पैसे में अपनी तरह कराऊंगा वापस। मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के मंशा के खिलाफ काम करने वाले अधिकारियों को बलिया में या प्रदेश में कहीं भी नहीं मिलेगा काम करने का अवसर। दरअसल लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में प्रशासन ने चालान काटने की कार्रवाई के दौरान जमकर अपनी मनमानी कर डाली। पशुओं का चारा भूसा बेचने वाली एक गरीब महिला का चालान काट दिया था, जबकि महिला हाथ जोड़कर अधिकारियों से विनती करती रही, इसके बावजूद भी उसका चालान काट दिया। वही एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानदार जो अपनी दुकान के अंदर से बंद कर ऑनलाइन काम कर रहा था, उसने जब चालान का पैसा 25,000 रुपये जमा करने के लिए कुछ मिनट का समय मांगा तो प्रशासन के अधिकारी उसकी 70,000 रुपये कीमत की 5 बैटरी की जबरदस्ती उठा ले गए। मैं आकाशदीप इलेक्ट्रॉनिक्स बलिया का हूँ। मेरा एक साइड का बैटरी का एजेंसी है, सूरज कुमार गुप्ता। तो कल क्या हुआ आपके दुकान पे, कौन लोग आए थे और किस लिए आए थे? चूंकि हमारी फर्म पे इनकम टैक्स द्वारा मोबाइल पे नोटिस आया था कि आप अपना वित्तीय वर्ष कुछ खत्म करें, तो हमारे 2 अकाउंटेंट और एक सह अकाउंटेंट जो थे अपना वर्क कर रहे थे सिस्टम पे दुकान अंदर से बंद करके, और अचानक इनकी टीम आई और हमारा शटर जोर जोर से उसको तोड़ा, जिससे नीचे फाइल भी गया। ये टीम थी नगर पालिका की थी, सी ओ सी टी थे और सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, और इन्होंने खोला और हमारी दुकान को 25,000 रुपये का चालान किया एक पेपर पे लिख के। फिर हमने कहा कि हमने तो कोई कैश लेन देन की नहीं है, हमारे पास 25,000 कैश नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि बैटरी हम उठा कर ले जाएंगे, और अचानक उस इतना कहने के बाद उनकी टीम ने बैटरी उठाना शुरू कर दिया। हमें कहा कि हमें कुछ समय दीजिए या आप कोर्ट से भेजिए, हम उसको पेमेंट करेंगे। तब भी नहीं माने, वो 5 बैटरी हमारी उठा के लेके चले गए, जो कि बिल्कुल गुंडा राज है प्रशासन द्वारा। होना ये चाहिए था कि हमें कुछ वक्त चाहिए, 5 मिनट का भी आप वक्त देते कि हम कहीं से पैसे अरेंज करके देते, या आप कोर्ट से चालान करते, हम चालान भरते। हमारी फर्म तो वहाँ से कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकती थी। ये बैटरी उठाकर ले जाने की बात कौन कहा? ये सिटी मजिस्ट्रेट जी थे। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि बैटरी ले चलो। पहले तो उन्होंने कहा 4 बैटरी निकालो, अच्छी अच्छी वाली निकालो। फिर जब 4 बैटरी नगर पालिका की टीम ने उठा ली, उसके बाद कह रहे हैं एक और उठा लो। और वो लोग लेके चले गए हमारे बार बार कहने पे। फिर हमने एक बार पूछा कि हम पेमेंट दे देते हैं, थोड़ा वेट करिए। कहे वेट नहीं है, इसको भी ले चलो अंदर। हमें हमारे कंधे पे हाथ रखे, फिर मैं क्षुब्ध होके किनारे खड़ा हो गया। आपने किसी ऊंचा अधिकारी से इसकी शिकायत नहीं की? मैं खुद क्षुब्ध हूँ इस चीज से कि इतना टैक्सेशन जमा करने के बावजूद भी ये हमारे अंग्रेजों वाली हुकूमत वाली शासन चल रही है। मैं क्षुब्ध हूँ। ये लॉकडाउन के दौरान दुकानें न खोलने के संदर्भ में घूम रहे थे, और मैं दुकान बंद करके अंदर अपना ऑफिशियल वर्क कर रहा था। क्योंकि हमारी 227 सोलर से स्वचालित शाखाएं चलती हैं बैंक की, उस दौरान कई वर्क हमें वहां से करने पड़ते हैं जो ऑनलाइन होते हैं। यहां की बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक हम लोग करते हैं, तो इस टीम में प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान हमें लेटर भी दिया गया कि आप ये वर्क कर सकते हैं, आपकी गाड़ी घूम सकती है सर्विस के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई मनसा थी, लूटने की मनसा थी, इसे हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं। कितने की बैटरी कीमत क्या है जो बैटरी ले गए? ये 73,000 के आसपास की बैटरी है, 73,000 के आसपास की बैटरी है जो ले गए। जी, यानी एक तरह से माना जाएगा दिन दहाड़े डकैती होती है। पूरी डकैती है सर, क्या हम बताएं सर। अंदर से आवाज भी वो हो जा रही है कि प्रशासन द्वारा ऐसा भी हो सकता है। महिला थी जो भूसा बेच रही थी, उसके ऊपर भी उन्होंने 1,000 का चालान काटा, और जो खास रूप से जो सामान है उसको भी उठा ले गए। महिला रोती रही और उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। खासकर जो व्यापारी जो और लोग हैं सड़क पे हैं, उनके साथ भी उन्होंने अवस्था की। मंत्री जी, आप जिले के मंत्री होते हुए कम से कम अधिकारियों पे लगाम रहे, अधिकारियों को मालूम रहे कि उनका पावर क्या है, किस तरीके से आम लोगों के साथ रहना है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग को बताएं मीडिया को।
मुझे परसों ज्ञात हुआ, परसों सायं की यह घटना है, लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में नवागत नगर मजिस्ट्रेट जो 5 अगस्त को ही ज्वाइन किए और 6 अगस्त को उनके द्वारा मुझे जानकारी में आया कि नगर में नगर पालिका परिषद संयुक्त टीम ने अनेक ऐसे दुकानदारों को जो अपनी दुकान खोले हुए थे उनको उनके ऊपर चालान किया, जुर्माना लगाया और उसमें निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें आई हैं जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। शासन प्रशासन पूरी तरीके से, जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, हमारे सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ ही कार्य करना है। हमने उस घटना का संज्ञान लिया है और इसी के संबंध में अभी 4 बजे हम नगर के सभी सम्मानित व्यापारी बंधु जो हमारे हैं, सभी हमारे व्यापार संगठन हैं, उन सभी के प्रतिनिधियों के साथ, जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस के लोगों के साथ अभी कलेक्ट्रेट सभागार में 4 बजे से बैठक है। हमारे नगर के सम्मानित व्यापारी बंधु जिस प्रकार से व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना चाहेंगे उसी प्रकार से व्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी। कहीं से भी किसी व्यापारी बंधु का उत्पीड़न नहीं हो ये मेरी जिम्मेदारी भी है, मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और एक बात मैं और आप सभी को कहना चाहता हूँ कि उस दिन की जो भी घटना हुई है, जो चालान काटे गए हैं, मैंने ये निर्णय लिया है कि जिन भी व्यक्तिगत दुकानदारों को मैं समझ सकता हूं कि मार्च में 25 मार्च लॉकडाउन होने के बाद से व्यापारी बंधुओं को अनेक प्रकार की कठिनाइयां हुई हैं, आर्थिक रूप से बहुत नुकसान में हैं सभी लोग, हम उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो परसों की शाम चालान किया गया है, जो जबरिया कार्रवाई की गई है वो नहीं होना चाहिए था। और जिन लोगों का भी चालान हुआ है, जो पैसे लिए गए हैं, मैं नगर के उन सभी छोटे बड़े व्यापारियों को अपनी ओर से वो चालान का पैसा उनको कल मैं सभी को वापस कराऊंगा। जुर्माना के बाद भी कुछ दुकानदारों का सामान तक उठा के लेके चले गए, मैंने उसकी जानकारी लिया है। जिनका एक दुकानदार आकाशदीप इलेक्ट्रॉनिक्स से मेरे पास जानकारी आई है कि उनका 25,000 का जुर्माना काटा गया और उनके पास उस समय नगद पैसा वो नहीं दिए, तो 5 बैटरी उनकी उठा करके नगर पालिका के लोग ले गए हैं। मैंने नगर मजिस्ट्रेट को और यूओ को बुलाया था और इस अप्रिय घटना के लिए उन लोगों ने खेद भी व्यक्त किया है और सभी व्यापारी बंधुओं का तहसीलदार बैठक बुलाया हूं। जैसा हमारे व्यापारी बंधु चाहेंगे, किसी भी प्रकार से किसी अधिकारी कर्मचारी को व्यापारी बंधुओं के उत्पीड़न का कोई अधिकार नहीं। व्यापारियों की मदद के साथ अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई होगी? आप देखते हैं कि जनपद बलिया में कोई भी अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना के विपरीत कार्य करके एक दिन भी यहाँ रह नहीं सकता है। जो हमारे मुख्यमंत्री जिस तरीके से संवेदनशील हैं, न्यायप्रिय हैं, उसी प्रकार सभी को कार्य करना होगा। उनकी भावना के विरुद्ध कार्य करने वाले किसी अधिकारी को यहाँ या कहीं भी प्रदेश में कार्य करने का अवसर नहीं मिलेगा। मंत्री जी, ईओ का एक मामला आ रहा है हमेशा।